मुस्तफ़ान रसूल के खिलाफ हमने मिलियन मार्च का ऐलान किया था। बहरहाल गुज़िश्ता दो दिनों से हमारे एरिया के डीसीपी रमेश साहब से, एसीपी साहब से, सर्कल साहब से, जॉइंट डीसीपी साहब से, एडिशनल डीसीपी साहब से, बड़ा रेगुलर पुलिस अथॉरिटी से बात होती रही है। और चूँकि बहरहाल दूसरे स्टेट्स में माहौल एकदम ख़राब हुआ है, धरने को ख़त्म करने की बात की जा रही थी और हमने कहा कि हम धरना ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन आपको पब्लिक मीटिंग का परमिशन के लिए हम संजय के रिक्वेस्ट करेंगे, आप पब्लिक मीटिंग का परमिशन देना। डीसीपी वेस्ट रमेश साहब ने बहरहाल इस सिलसिले में और फिर एसीपी साहब ने, हमारे सर्कल साहब ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। अब सुबह से खैर हम हाउस अरेस्ट हैं और पूरे जितने भी जैक के हमारे समझे के लीडर्स हैं, तहरीक मुस्लिम शब्बान के जो ओहदेदार और कायदीन हैं, वो सब सुबह से हाउस अरेस्ट हैं। पूरे शहर में हाउस अरेस्टिंग हुई है, तो बहरहाल हाउस अरेस्टिंग का कोई मसला नहीं है। और 18 को जिस रोज़ हमारा समझिए कि धरना चौक पर प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम अब पब्लिक मीटिंग शाम में बड़े बाज़ार या खुदपुरा रैन बाज़ार लिमिट में होगी और पीसफुल रहेगी, इसमें कोई समझिए दो राय नहीं है। हम सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि धरना चौक का प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है और उसके बजाय पुलिस अथॉरिटीज़ ने याकूतपुरे बड़े बाज़ार पर जलसे आम का परमिशन दिया है जो 18 की शाम में होगा। और 18 की शाम के लिए हम एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर रहे हैं। डीसीपी रमेश साहब ने और फिर एसीपी साहब ने, सभी ने बड़ा कोऑपरेट किया इस इशू पर। उन्होंने कहा कि हम भी इस पर तकलीफ दे हैं कि रसूल की शान में गुस्ताखी हुई है और बींग इंसान और बींग समझिए कि अच्छे हिंदू होने की हैसियत से हमको भी तकलीफ़ है। और मैं कहूँ कि बहुत से दलित, बहुत से हिंदू ऑर्गेनाइजेशन भी समझिए कि ये जो एक्ट है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई, उसको स्ट्रांगली कंडम कर रहे हैं। और ये जो हमारा प्रोटेस्ट या ये जो पब्लिक मीटिंग भी है, ये किसी हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ या किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ है। और एक आखिरी बात बता दूं कि डीसीपी साहब ने और पुलिस हायर अथॉरिटीज़ ने यह बात कही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी हमारे ऐलान के बाद परमिशन के लिए डाली है, उस परमिशन नहीं मिल रहा है, हमको भी नहीं मिल रहा है। बहरहाल पुलिस ने जो तावुन और जज्बात का इजहार इस समझिए कि शान रिसालत पर किया है, हम उसके मशकूर हैं। और शहर में अमन अमान रहे, रियासत तरक्की करे, हमारा भी ये इंटेंशन है, लेकिन इंसाफ के साथ बात हो। शुक्रिया।